हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपना परिवार मस्त क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियोस में मैं आप सबको सेकेंडरी सेंटअप एग्ज़ाम 2020 के माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2020 साइंस जो हुआ उसके क्वेश्चंस का सलूशन करूंगा। ये आंसर की है उस क्वेश्चंस का जो अभी आपको 11 नवंबर को टेस्ट हुआ आपके साइंस का, उसका ये आंसर किया है। वो भी 100% करेक्ट है, ये 100% आंसर की है। आप सब मिला ले कि अगर आप सब ने सेंटअप एग्ज़ाम जो अभी हुआ एग्ज़ाम आप लोग स्कूलों में दे रहे हैं जो, उसमें आपने कितना करेक्ट सही किया है ना। आज फिर इस रिवीजन में ही डिवीजन है कि क्लास में आज आप सबको फिर से मैं उसी क्वेश्चंस का रिवाइज करा देता हूँ जो 48 क्वेश्चंस आपके सेंटअप एग्ज़ाम में आए थे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं कि कौन कौन से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये देखिए आपका प्रश्न पत्र है जो आपको मिला है बोर्ड एग्ज़ाम में अभी जो आप सब दे रहे हैं सेंटअप एग्ज़ाम। तो आइए उन सब के क्वेश्चनों का सही सोल्यूशन बताता हूँ, आंसर की बताता हूँ जो कि आप सब अब इसका एग्जाम दे चुके हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे बड़ा एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन होता है उसे भी क्लिक कर लें ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो आइए आप सबको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ 48 क्वेश्चन का, फटाफट आंसर जवाब आप सब दीजिएगा, है ना। पीछे के जिस तरह से मैं रिविजन में डिविजन कराता हूँ क्लास, उसमें नीतीश भूमि सिंह, रुखसार खान, सलमा सुल्तान, मुशरफा बेगम, गजाला नाजिश, सब्बा परवेज, इन सब ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। आप सब भी इसी तरह से मेहनत करते रहे और वीडियोस को देखते हैं तो एक लाइक करना ना भूले क्योंकि आपकी एक लाइक हमारी हौसला को बढ़ाती है, ठीक है ना। तो आइए मैं आप सबको क्वेश्चन से रूबरू कराता हूँ। देखिए आपके क्वेश्चन है, लिखा है सेक्शन ए में है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न 48 को, जिसको आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर, है ना। तो आइए आपको बिना समय लिए मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन से रूबरू कराता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, आप सब भी इसका कमेंट में जवाब बताइएगा, ठीक है ना। देखिए लिखा है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है। पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण में, बी है अवतल दर्पण में, सी है समतल दर्पण में, डी है उत्तल लेंस में। बताइए इसका करेक्ट आंसर आपने क्या मारा है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है, जल्दी बताइए। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है, ये जो बात है उत्तल दर्पण में हमेशा सही होता है, इसलिए पहले का जो करेक्ट आंसर है ये सही है, ठीक है ना। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, लिखा है निम्नलिखित में कौन सा लेंस में मुख्य फोकस बिंदु की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस बिंदु की संख्या बताना है। पहला है 2, बी है 3, सी है 1 और डी है 4। बताइए आप सब कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो आप सब ने पढ़े होंगे तो इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं। जो लोग मेरे रिवीजन डिवीजन में क्लास करते हैं उनको ये सब क्वेश्चन से मुलाकात हुआ होगा। मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वो 2 होती है, इसलिए 2 का भी करेक्ट आंसर ऐसे ही है, ठीक है। आइए देखिए तीसरा जो सवाल है आपको दिखाता हूँ। लिखा है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वो कब पदार्थ है। पहला ऑप्शन है सुचालक, बी है कुचालक, सी है अर्धचालक, डी है अतिचालक। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए मैं आप सब किसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं कुचालक। 3 का भी करेक्ट आंसर सही है, ठीक है। आप सब बताइए कि आप सब ऐसे टिक लगाए हैं कि नहीं, ठीक है ना। आइए आपको क्वेश्चन 4 दिखाते हैं। देखिए जो 4 क्वेश्चन है इसमें लिखा है बहुत, ये तो इजी क्वेश्चन से आप सब इसको मुलाकात हुआ होगा क्वेश्चन का। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, रंग बताना है। पहला है 5, बी है 6, सी है 7, डी है 8। मुझे उम्मीद है कि ये किसी भी स्टूडेंट्स ने गलत नहीं किया होगा, इसका तो करेक्ट आंसर होगा। श्वेत प्रकाश में 7 वर्णों का मिश्रण होता है, इसलिए 4 का करेक्ट आंसर सी क्लियर है, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन 5 पे नजर डालते हैं। आप सब भी कमेंट में जवाब देते रहे, तहलका मचा दीजिए अगर आप सब अगर इस चैनल के साथ बने रहेंगे, क्योंकि मैं रोज डिवीजन में डिवीजन डेली शाम 7:30 में आता है ना। जो लोग नए हैं उनको बता देता हूँ 7:30 PM में डेली लाइव क्लास चलता है, आप सब डेली आए। और जो लोग अभी तक मस्त क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपकी एक इससे बहुत फायदा होने वाला है, आपकी बोर्ड की बेहतरीन तैयारी की जाएगी। और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप तैयारी इस चैनल से करते हैं तो आपको जरूर 450 प्लस मार्क आएंगे, ठीक है ना। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए आगे क्वेश्चन 5 पे नजर डालते हैं। देखिए लिखा है घटपर्णी एक उदाहरण है। पहला कीटभक्षी पादप का, बी है दलहनी पौधे का, सी है शैवाल और डी है फफूंद। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। घटपर्णी एक उदाहरण है। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। घटपर्णी जो है कीटभक्षी पादप का उदाहरण है, किसका, कीटभक्षी। इसलिए 5 का करेक्ट आंसर ए सही है, आप सब टिक लगा ले, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन 6 पे नजर डालते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन सही है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन जंतु जो है चमड़ी एवं फेफड़ा दोनों से सांस ले सकता है, चमड़ी से भी ले सकता है
और फेफड़ा से भी श्वास ले सकते हैं। बताइए इसका जवाब दीजिए आप सब। पहला ऑप्शन है मछली, बी है स्तनधारी, सी है तिलचट्टा और डी है मेंढक। बताइए कौन जंतु जो है चमड़ी एवं फेफड़ा दोनों से सांस ले सकते हैं, जल्दी से आप सब बताइए। आइए मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। जो जंतु चमड़ी और फेफड़ा दोनों से सांस ले सकता है वह मेंढक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी सही है, ठीक है ना। आइए आगे क्वेश्चन सात दिखाते हैं। देखिए सात क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक होता है, बताना है लाल वर्णक किसके कारण होता है। पहला है प्लाज्मा, बी है हीमोग्लोबिन, सी है धमनी, डी है सीरा। बताइए लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक होता है प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, धमनी और सीरा, किससे होता है। आइए मैं आप सबको उसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसलिए सात का करेक्ट आंसर भी सही है, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन आठ में नजर डालते हैं। देखिए आठ क्वेश्चन है, नेफ्रॉन पाया जाता है वृक में, बी है हृदय में, सी है मस्तिष्क में, डी है अंडाशय में, है ना। बताइए इसका इंग्लिश लिखा है नेफ्रॉन इज फाउंड इन किडनी, हार्ट, ब्रेन एंड ओवरी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सबने इसका एग्जाम दे चुके हैं, तालका मचा दीजिए। बताइए अगर आप सब बेहतरीन मेहनत कर रहे तो जरूर झंडा गाड़िएगा, ठीक है ना, यानी कि अच्छे टॉपरों की लिस्ट में आइएगा। नेफ्रॉन जो पाया जाता है, मैं बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर ये सही है, वृक में पाया जाता है। वृक की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर नौ पे नजर डालते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरह से व्यक्त किया जाता है। पहला संकेतों के रूप में, बी है अणु चित्र के रूप में, सी है समीकरण के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरह व्यक्त किया जाता है, जल्दी से आप सब जवाब दीजिए। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। रासायनिक अभिक्रियाओं को जो है समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसलिए नौ का करेक्ट आंसर सी सही है, क्लियर। आइए आपको क्वेश्चन सात दस दिखाते हैं। देखिए ये दस क्वेश्चन आपके हैं, सेंटअप एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ गया है ना, ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में भी आएगा, फाइनल यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई, सब तो सारे लोग ध्यान से देखे। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या है। पहला H2SO7, बी है H2SO4, सी है H2S2O3, डी है H2S2O8। बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या है। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र H2SO4 होता है, 10 का बी करेक्ट सही है, ठीक है। आप सब बेहतरीन जवाब दे रहे हैं, मेहनत कीजिए इसी तरह से। देखिए आगे क्वेश्चन से 11, हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, बताना है इसको। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। आयरन, बी है एल्युमिनियम, सी है तांबा, डी है टीन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हेमेटाइट। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। हेमेटाइट जो है लोहा यानी कि आयरन का अयस्क है, इसलिए 11 का करेक्ट आंसर ये सही है, क्लियर। आइए आगे देखिए 12 क्वेश्चंस। 12 लिखा है CH3Cl का IUPAC नाम क्या है। पहला ऑप्शन है मिथाइल क्लोराइड, बी है एथिल क्लोराइड, सी है प्रोपिल क्लोराइड, डी है क्लोरोमीथेन। बताइए जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, CH3Cl का IUPAC नाम क्या है। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। CH3 यानी कि मिथाइल हो गया, Cl जुट रहा है तो क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, इसलिए 12 का करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है ना। 12 क्वेश्चंस का सलूशन हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं अब 13 क्वेश्चंस पे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें लिखा है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करती है, बताना है किस सिद्धांत पर कार्य करती है। पहला उष्मीय, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको मैंने बताया भी है पहले। बी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय, सी है रासायनिक, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए किस पे कार्य करता है। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, फास्ट कीजिए क्योंकि 48 क्वेश्चंस का सलूशन करना है। आइए मैं बताता हूँ, विद्युत परिपथ जो है विद्युत फ्यूज के उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। 13 का करेक्ट आंसर ऐसे ही है, ठीक है ना। आगे देखिए 14 क्वेश्चन। 14 लिखा है चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक है, क्षेत्र लगाया है ना, द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का पूछ रहा है। पहला ऑप्शन टेस्ला, बी है वेबर और सी है एम्पियर और डी है फेराडे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आए होंगे, हमको जहाँ तक उम्मीद है कुछ स्टूडेंट वेवर मारे होंगे तो कुछ फेराडे होंगे, इन दोनों का गलत हुआ होगा क्योंकि ये दोनों नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र का जो SI मात्रक होता है वो टेस्ला होता है, वेवर जो होगा चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है, ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स पूछता है क्षेत्र के जगह पर, फ्लक्स तो वेवर होता है, क्लियर। आइए आगे क्वेश्चन 15 पे डालते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन सही है, तो उम्मीद है कि सारे लोगों ने इसको करेक्ट किया होगा। ईंधन का उदाहरण है, पहला लकड़ी, बी है CNG, डी है LPG, इनमें से सभी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। ईंधन का जो उदाहरण है लकड़ी भी है, CNG भी है, LPG है, तो अतः हम तीन आंसर पूरे टिक लगा सकते हैं, इन तीनों के बदले में करेक्ट आंसर डी सही है, इनमें से सभी, ठीक है ना। 15 क्वेश्चंस के सोल्यूशन हो गए हैं, आगे आइए बढ़ते हैं अब 16 क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं। देखिए ये 16 जो क्वेश्चन है लिखा है प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, पहला वास्तविक, बी है काल्पनिक,
सी है वास्तविक और काल्पनिक दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, जल्दी से आप सब इसका जवाब दे। आइए मैं आप सबको बताता हूँ, प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है वह वास्तविक भी प्राप्त होता है और काल्पनिक भी प्राप्त होता है, दोनों टाइप्स के होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। आप सब सी लगा लीजिए सही, ठीक है ना। आइए आगे क्वेश्चन 17 पे नजर डालते हैं। 17 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, 17 क्वेश्चन आगे बढ़ाता हूँ। देखिए लिखा है, कोशिका में जुग्मों को संलयन की परिणति कहलाती है, बीजाणु, बी है भ्रूण, सी है जयगोट और डी है स्त्री केसर। बताइए कोशिका में युग्मों के संलयन की परिणति कहलाती है, जल्दी से आप सब इसका जवाब दाइए। मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, कोशिका में जुग्मों के संलयन की परिणति जो है वह जाइगोट नाम से जानी जाती है, इसलिए 17 का करेक्ट आंसर सी क्लियर है, ठीक है ना, सी को क्लियर कर लीजिए। आगे देखिए कुछ, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द्विसंकर संकरण प्रयोग का पूछ रहा है कि लक्षण प्ररूपी अनुपात क्या होता है। द्विसंकर है ना, एक संकर नहीं है, द्विसंकर मेंडल का, तो ये तो बहुत ईजी है, 93:31 एक ट्रिक मैंने बनाया था, 93:31 बस याद रखना है, यानी कि 9:3:3:1 होता है, यानी कि 18 का करेक्ट आंसर ए सही है ना, ट्रिक याद रखिए 93:31, ठीक है ना। आइए आपको क्वेश्चन 19 दिखाते हैं। देखिए 19 क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत सारे लड़के गलत करके आए होंगे। ओजोन क्या है, गैस है, निलंबन है, कोलाइड है, इनमें से सभी, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्लियर है, ओजोन एक गैस है, 19 का करेक्ट आंसर ऐसे ही है, क्लियर। ओजोन क्या है, तो एक गैस है, क्लियर। आइए आगे क्वेश्चन 20 पे नजर डालते हैं। देखिए ये 20 क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, शरीर के लिए पूछ रहा है कौन आवश्यक है। पहला विटामिन, बी है खनिज, सी है पोषक तत्व, डी है इनमें से सभी। बताइए कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जल्दी से आप सब इसका जवाब दे। और भी देखिए एक बार बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा घटक। तो आइए मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, शरीर के लिए विटामिन, खनिज और पोषक तत्व तीनों जरूरी होती है, तो इन सब के बदले में डी करेक्ट आंसर है इनमें सभी, ठीक है ना। देखिए 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक बताना है। पहला H2, बी है O2, सी है H2S और डी है CO, बताइए। तो देखिए ऑक्सीजन जो है ऑक्सीकारक कहलाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का संयोग होना ऑक्सीकारक कहलाता है और हाइड्रोजन का हटना संयोग होना अकारक कहलाता है। अगर अकारक पूछता तो H2 सही होता, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑक्सीकारक पूछा है, इसलिए 21 का क्वेश्चन भी सही है, 21 क्वेश्चंस का सलूशन हो गया। और जो नए आ रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का जो बेल आइकन होता है उसे क्लिक कर दें, और वीडियोज को एक बार अपने दोस्तों फ्रेंड्सों में शेयर करके और भी लोगों को जोड़िए, ठीक है। आइए क्वेश्चन 22 दिखाते हैं। देखिए 22 क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, ये क्वेश्चन है, अष्टक का नियम किसके द्वारा दिया गया। पहला डाल्टन, बी है डोबरेनर, सी है मेंडलिफ, डी है न्यूलैंड्स। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूलैंड्स, अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था और तिर्यक नियम का प्रतिपादन डोबरेनर ने किया था। मेंडलिफ ने आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था और डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी और उसका नियम बताया था, है ना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी सही होगा 22 का। आगे देखिए 23 क्वेश्चन, 23 है, निम्नलिखित में किसके प्रयोग से जल की अस्थायी कठोरता कम की जाती है, जल में कठोरता जो होती है उसको किसके प्रयोग से कम की जाती है। पहला धोने के सोडा, बी है बेकिंग सोडा, सी है जिप्सम, डी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किसके प्रयोग से जल की अस्थायी कठोरता कम की जाती है, जल्दी जवाब दे। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, जल की जो अस्थायी कठोरता है वह धोने के सोडा यानी कि Na2CO3 धोने का सोडा (10H2O) होता है, इसी से इसका की जाती है, इसलिए 23 का करेक्ट आंसर ये सही है। आगे देखिए 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, सारे स्टूडेंट्स ने इसको सही किया होगा। पहला ऑप्शन सोना, बी ग्रेफाइट, सी हीरा, डी चांदी। तो इसका कठोर सबसे पदार्थ जो है प्रकृति में वो हीरा है, इसलिए 24 का करेक्ट आंसर सी है। आइए आप 25 पे नजर डालते हैं। 25 पूछ रहा है ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध होगा, एक देखिए दिया है ना, ये देखिए समांतर क्रम में समूहन है, तो समांतर क्रम समूहन में 1/R = सूत्र होता है 1/R1+1/R2, तो R1 का मान भी 2 है और इसका भी 2 है, तो जब बेस बराबर हो तो डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है 1+1, तो 2/2 कटने के बाद कितना गया 1 ओम, कितना गया 1 ओम, इसलिए 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी सही है, क्लियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 26 पे नजर डालते हैं। देखिए 26 क्वेश्चन लिखा हुआ है, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति का मान होता है, पहला 80 हर्ज, बी है 70 हर्ज, सी है 60 हर्ज, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं
तो जो लोग पढ़े हैं उसको जल्दी से इसका जवाब बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए मैं बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर। घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। कितना होती है? 50 हर्ट्ज। इसको याद रखिएगा, लेकिन इस ऑप्शन में कहीं पे भी 50 हर्ट्ज नहीं है, इसलिए 26 का करेक्ट आंसर डी सही है। क्लियर। आइए आगे क्वेश्चन 27 पे नजर डालते हैं। देखिए ये 27 क्वेश्चन है, लिखा है कि सोलर सेल से कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है। पहला प्रत्यावर्ती धारा, बी है दिष्ट धारा, सी है प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए सोलर सेल में कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो देखिए सोलर सेल जो होता है वो बैटरी में ऊर्जा को संचित करता है, और बैटरी में जो ऊर्जा संचित रहती है उसे डीसी कहते हैं। डीसी यानी कि दिष्ट धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? दिष्ट धारा। ठीक है ना। इसलिए 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी। क्लियर, बी को करेक्ट मारिए। ठीक है, आइए जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। 28 क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है। पहला लाल, बी है बैंगनी, सी है पीला, डी है नारंगी। बताइए कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है। तो आप लोग को मैंने बताया जिस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है उसका अपवर्तनांक कम हो जाता है, और बैंगनी का तो आप लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक जो होता है तरंगदैर्ध्य कम होता है, इसलिए इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर 28 का बी सही है। क्लियर। आगे देखिए 29 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है आराम में सामान्यतः व्यस्त मनुष्य का श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है। श्वसन दर यानी सांस लेने की दर पूछ रहा है प्रति मिनट, एक मिनट में। पहला है 9 से 12, बी है 15 से 18, सी है 21 से 24 और डी है 30 से 33। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए हृदय की जो धड़कता है वो 72 बार धड़कता है एक मिनट में, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा है, पूछा है श्वसन दर। तो श्वसन दर का जो औसत होता है ना वह 16 होता है। औसत दर कितना होता है? 16। इसको याद रखिएगा, 16 होता है। तो इसमें पूछा है रेंज में, तो देखिए 15 से 18 के बीच में ही 16 आएगा, इसलिए 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी सही है। क्लियर। आइए आगे अब क्वेश्चन आपको मैं 30 दिखाता हूँ। निम्नांकित किस जीव का परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, यानी कि खूनों को आने जाने के लिए नसों की व्यवस्था नहीं होती है, किस में बताना है। पहला कुत्ता, बी है मेंढक, सी है मानव, डी है हाइड्रा। जल्दी से आप सब इसका जवाब दीजिए। आइए मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊँ। देखिए कुत्ता में भी होता है, मेंढक में भी होता है और मानव में भी होता है, अतः इसका जो परिसंचरण तंत्र नहीं होता है इसका करेक्ट आंसर डी लगा लीजिए। 30 का डी सही है ना। आइए आगे क्वेश्चन 31 पे नजर डालते हैं। 31 लिखा है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। पहला फ्लोएम में, बी है कॉर्टेक्स में, सी है छाल में, डी है पुराने जाइलम में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं। जल्दी से आप सब जवाब दें। आप सबका एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ गए हैं और ऐसा ही क्वेश्चन आगे एग्जाम में आएंगे। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। रेजिन एवं गोंद जो है पुराने जाइलम में संचित होते हैं, इसलिए 31 का करेक्ट आंसर डी सही है। क्लियर। देखिए आगे देखिए क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। पहला उल्टी, बी है लार निकलना, सी है हृदय धड़कन और डी है चबाना। देखिए उल्टी जो है एक बाइक हो जाता है ना, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। लार भी अपना निकलता रहता है और हृदय तो अपने आप धड़कती ही रहती है ना। ये सब अनैच्छिक क्रिया है जिसको हम अपने से नहीं कर सकते हैं, ये अपना आप होते रहता है। अब इसमें से एक ऑप्शन बच रहा है चबाना। चबाना जो है हम करेंगे तभी चबा सकते हैं किसी भी अन्न को, है ना। इसलिए 32 का करेक्ट आंसर डी सही है ना। यह एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अपने आप होने वाली यह क्रिया नहीं है, है ना। हृदय धड़कन जो अपने आप होती रहती है, इसलिए तीनों ऑप्शन को रॉन्ग कर दिया जाएगा और ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन 33 पे नजर डालते हैं। देखिए 33 क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। पहला है आइसोप्रोपीन का, बी है ब्यूटाइन का, सी है नियोप्रोपीन का और डी है एसीटिलीन का। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, जल्दी से जवाब दे। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। प्राकृतिक जो रबर है वो आइसोप्रोपीन का बहुलक है ना। इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 33 का ए लगा लीजिए। ठीक है, आगे देखिए 34 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है, पहला 18, बी है 20, सी है 22 और डी है 24। बताइए जल्दी से कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है। आइए मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। कैल्शियम की जो परमाणु संख्या होती है वह 20 होती है, इसलिए 34 का करेक्ट आंसर 20 सही है। क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन 35 पे नजर डालते हैं। देखिए 35 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। बताइए निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नेचुरल रिसोर्स बताना है। पहला वायु, बी है जल, सी है मृदा और डी है इनमें से सभी। बताइए कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। आइए मैं बताता हूँ, वायु, जल और मृदा तीनों के तीनों प्राकृतिक है, तो हम तो एक ही ऑप्शन को टिक करना है। इन तीनों के बदले में एक ऑप्शन दिया है इनमें से सभी, इसलिए 35 का करेक्ट आंसर डी सही है। क्लियर। आप सबने तो तहलका मचा दिया, इसी तरह से मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। आइए क्वेश्चन 36 पे नजर डालते हैं।
देखिए 36 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है, बताना है बुझा हुआ चूना। पहला कैल्शियम ऑक्साइड BaCOH का होल ट्वाइस, CaCSO3 और DXCA, बताइए इनमें से कौन बुझा हुआ चूना है, जवाब दीजिए। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। बुझा हुआ चूना जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है इसे। 36 का करेक्ट आंसर भी सही है, 36 का भी। आगे देखिए 37 क्वेश्चन, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन सी हरदम परीक्षा में आते हैं, है ना। आप सब इसका जवाब दिए, लेंस की क्षमता पूछ रहा है, क्वेश्चन की क्षमता है, लेंस की क्षमता है। पहला पी बराबर 1/2 बी है, पी बराबर 1/a भी सी है, पी बराबर 1/f और डी है पी बराबर U/V, बताइए इसकी करेक्ट आंसर कौन सी होगी। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। लेंस की जो क्षमता है वो पी बराबर 1/f होता है ना, इसलिए 37 का करेक्ट आंसर सी सही है। क्लियर, आप सब टिक लगा ले, 37 का सी सही है। आगे देखिए 38 क्वेश्चन, 38 है, नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। पहला काल्पनिक सीधा तथा छोटा, बी है काल्पनिक सीधा तथा बड़ा, डी है वास्तविक उल्टा तथा छोटा और डी है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जवाब दे। आइए मैं इसका करेक्ट आंसर बता तो, नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक भी होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है, तभी तो हमारे आंख में बनता है, इसलिए ये सारे ऑप्शन जो है सी में है, इसलिए 38 का करेक्ट आंसर सी सही है। आइए अब आप सबको क्वेश्चन 39 दिखाता हूँ। देखिए 39 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन सही है, मैं हरदम परीक्षा में बताता हूँ। देखिए वोल्ट बराबर है, वोल्ट बराबर है पहला कुल प्रति जुलाम, बी है जूल प्रति गुलाम, सी है जूल प्रति एम्पियर और डी है एम्पियर प्रति जूल, बताइए। तो आप लोग को मैंने पढ़ाया है भी बराबर होता है जूल बटा गुलाम, क्या होता है भी बराबर जूल बटा गुलाम, इसलिए 39 का करेक्ट आंसर भी सही है। क्लियर, आइए आगे क्वेश्चन नंबर 40 पे नजर डालते हैं। देखिए 40 क्वेश्चन, 40 है विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। पहला रासायनिक, बी है चुंबकीय, सी है उष्मीय, डी है इनमें से कोई नहीं, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, जल्दी से आप सब इसका जवाब दे। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। विद्युत घंटी जो है विद्युत चुंबकीय कार्य करती है, इसलिए 40 का करेक्ट आंसर भी सही है। आप सबका 40 क्वेश्चंस का सलूशन हो चुका है और 8 क्वेश्चंस है। देखिए आगे 41 क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पराय किसका उपयोग करती है। पहला ग्लूकोज, बी है अमीनो अम्ल, सी है वसा अम्ल और डी है सुक्रोज, बताइए ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पराय किसका उपयोग करती है। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो है ग्लूकोज का उपयोग करती है, किसका, ग्लूकोज। 41 का करेक्ट आंसर ऐसा ही है। क्लियर, ठीक है, आइए अब आप सबको 42 क्वेश्चन से रूबरू कराता हूँ। आप सब बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं कमेंट में, बहुत हमें खुशी हो रही है, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। इसी तरह से आप मेहनत कीजिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। और जो नए नए अभी आ रहे हैं मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार वीडियोस को लाइक कर दें और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों फ्रेंड्स और मित्रों में शेयर कर दें, ताकि वो भी मिला लें कि मैंने सेंटअप एग्जाम में जो 48 साइंस के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं उसमें मेरी कितने सही है, है ना। और ताकि वो सब अगर गलती भी हुआ तो उसको सुधार लें, ताकि आगामी एग्जाम में वो बेहतरीन प्रदर्शन कर सके, है ना। तो आइए मैं आगे आपको क्वेश्चन 42 दिखाता हूँ। अब ईस्ट में कैसे जनन होता है ना, बताना है ईस्ट में जनन बताना है कैसे होता है। पहला जाइगोट द्वारा, बी है बीजाणु जनन द्वारा, सी है विखंडन द्वारा, डी है मुकुलन द्वारा, बताइए ईस्ट में कैसे जनन होता है। अच्छा क्वेश्चन है, आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। ईस्ट में जो जनन होता है वो मुकुलन द्वारा होता है, इसलिए 42 का करेक्ट आंसर डी सही है, ठीक है। आगे देखिए आगे 43 क्वेश्चन, विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है, हम किससे ज्यादा मिलते जुलते हैं विकास की दृष्टि से, बताना है ना। पहला चीन का विद्यार्थी, बी है चिंपांजी, सी है मकड़ी और डी है जीवाणु, बताइए विकासीय दृष्टि से। हमारी बहुत सारे चिंपांजी मारे हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर चीन का विद्यार्थी होगा। 43 का ए लगा लीजिए, ठीक ठीक है ना। आगे देखिए 44 क्वेश्चन, 44 है कि तापमान वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक है। पहला जैविक कारक, बी है भौतिक कारक, सी है मृदीय कारक और डी है इनमें से कोई नहीं, बताइए तापमान वर्षा और पवन पर्यावरण के कैसे कारक है। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तापमान वर्षा और पवन जो है पर्यावरण के भौतिक कारक है, इसलिए 44 का करेक्ट आंसर भी सही है, ठीक है ना। आइए आगे 45 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 45 जो है उसमें लिखा हुआ है कि अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच जब हो जाता है शरीर में तो इसके लिए किस औषधि का प्रयोग करते हैं। पहला है प्रतिजैविक की, बी है पीणाहारी, सी है प्रति अम्ल, डी है रोगाणु रोधक, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अपच के उपचार के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। नहीं समझ में आता है, देखिए इंग्लिश में इसको कहते हैं एंटीबायोटिक्स, एनालजेस्टिक और एंटासिड और डी एंटीस्पेटिक, बताइए अपच के उपचार के लिए। आइए मैं बताता हूँ, अपच के उपचार के लिए प्रति अम्ल यानी एंटासिड का होता है, इसलिए
45 का सी सही है, करेक्ट आंसर। आगे देखिए, देखिए आगे 46 में लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? पहला है तांबा, बी है सोना, सी है जस्ता और डी है पोटेशियम। बताइए निम्नलिखित में कौन सा जो पदार्थ है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है। तो एक इजी क्वेश्चन से आप सब जल्दी से इसका जवाब बताइए। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। वह पदार्थ जो है सोना है, सोना जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। यही कारण है कि सोना को स्वतंत्र अवस्था में छोड़ दिया जाता है फिर भी वो काला नहीं होता है ना, इसलिए 46 का करेक्ट आंसर बी सही है। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 47 में नजर डालते हैं। 47-48 दो क्वेश्चन बच गए हैं, आपका रिविजन में डिविजन फिर से हो गया कि मैंने कितने करेक्ट आंसर किए होंगे, है ना। देखिए 47 में लिखा है आहार और पाइन जो है निम्नलिखित में किस राज्य की जल संचय की व्यवस्था है? आहार, आहार के मतलब आहारा, और पाइन जो होता है किस राज्य में चलता है? पहला है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है बिहार। बताइए आहारा और पाइन किस राज्य की जल संचय की व्यवस्था है? आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। आहारा और पाइन जो है वो बिहार में, खुद हमारी है बिहार, इसलिए 47 का करेक्ट आंसर डी सही है, क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 48 अंतिम क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। देखिए ये आपके सामने 48 क्वेश्चन जो लिखा है कि CFC यानी कि क्लोरो फ्लोरो कार्बन का व्यापक उपयोग किया जाता है किस में, है ना। पहला एयर कंडीशनरों में, बी है रेफ्रिजरेटरों में, सी है जेट इंजनों में, डी है इन सभी में। बताइए CFC का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है? एयर कंडीशन यानी कि AC में, बी है रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रीज में, सी है जेट इंजन यानी कि जो वायुयान होता है उसके इंजनों में, डी है इनमें से सभी। बताइए जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। आइए मैं आप सबको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। CFC का उपयोग कंडीशनर, AC में भी होता है, फ्रिज में भी होता है, जेट इंजन में भी होता है, यानी कि तीनों में होता है। तो हम एक ही क्वेश्चन में तीन थोड़े ठीक करेंगे, इन तीनों के बदला में करेक्ट आंसर डी सही है, 48 का डी। तो आपके सेंटर एग्जाम में जो साइंस के 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे मैंने उन सब का करेक्टली आंसर दिया हूँ, आंसर की है ये आपका। आप मिला सकते हैं कि मैंने 48 VBI जो साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए आपके एग्जाम में उसमें कितना मैंने सही किया है ना, और मिला के कमेंट में बताइए कि आपने एग्जाम में कितना अच्छा करके आए हैं। अगर गलत हुआ है तो उसे आप सुधार लीजिए क्योंकि अभी भी टाइम, ये तो आपका पहला एग्जाम है, अभी फाइनल एग्जाम होना बाकी है ना। इसी तरह से सफलता आपको कदमों को चूमेगी अगर बेहतरीन मेहनत करते हैं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर जो जो लोग पहली बार आए हैं और टाइमिंग नहीं जानते हैं कि कितना बजे लाइव क्लास होता है, तो मैं आप सबको बता देता हूं कि डेली आपको शाम 7:30 बजे 7:30 PM ठीक है ना, 7:30 PM में लाइव क्लास चलता है। आप सब लाइव क्लास में आइए, आपको बहुत ही फायदा होने वाली है। अगर आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आप वीडियोज़ को देखते हैं ना तो आप इस वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारी हौसला को बढ़ाती है ना। और भी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब इस वीडियोस को अपने दोस्तों, मित्रों, फ्रेंड्सों में शेयर कर दें ताकि वे सब भी ऐसे वीडियोस को देखकर फ़ायदा उठा सके, है ना फ्रेंड्स। तो आप सबको मेरे तरफ से बधाई बेहतरीन प्रदर्शन के लिए, थैंक्स, गुड नाइट फॉर एवरीवन, गुड नाइट ऑल स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में मैं आप सबको जो सेंटअप एग्जाम में मैथ का क्वेश्चन आए थे 60 ऑब्जेक्टिव, उन सबका भी क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दूंगा, ठीक है ना। 60 क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन करा दूंगा, उसे भी आप देखना ना भूले। अगले जो डिवीजन में डिवीजन का क्लास होगा उसमें आपका करेक्ट एकदम आंसर की जो होगा एकदम करेक्ट 100% सही बताया जाएगा आपको, है ना। तो अतः आप सब उस वीडियोस में भी आना ना भूलेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम, थैंक्स सबको, गुड नाइट फॉर एवरी स्टूडेंट्स, एवरी फ्रेंड्स,